आज मैं आया था पार्क में, बेसिकली वर्कआउट करने ही आया था। घर पर जैसे भी आप लोग वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पर क्या सारे प्रॉप्स हों ये ज़रूरी नहीं है। कोई प्रॉप्स नहीं होता है, गांव में कर रहे हैं या छोटे शहर में हैं, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, फिर एक्सरसाइज कैसे करें ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज होती हैं, आप बॉडी को फिट कर रख सकते हैं, वेट को कम कर सकते हैं, इंचेस को कम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज आप खुद कर सकते हैं घर में विदाउट यूजिंग एनी प्रॉप्स। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो सराउंडिंग है उसमें आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कैसे आप यूटिलाइज करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप घर पर कर सकते हैं, 10 कार्डियो एक्सरसाइजेज जो घर पर इजीली कर सकते हैं बिना किसी जिम में जाए, बिना किसी प्रॉप्स का, बिना किसी मशीन का यूज किए, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहली एक्सरसाइज होगी जो घर पर आप कर सकते हैं, पहले स्टार्ट करिए, वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप जैसा दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, वार्म अप के बाद क्या करना है मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी पहली एक्सरसाइज जॉगिंग की, इसमें टोज को फ्लोर पर ही रखेंगे, नी को सॉफ्ट रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। हील अप एंड डाउन, हील अप एंड डाउन, इससे एंकल वार्म हो जाता है, कंडीशन हो जाता है, नी का कंडीशनिंग हो जाता है। ये 1 मिनट फॉलो करेंगे, 30 seconds to 1 minute, 1 मिनट फॉलो करने के बाद धीरे धीरे टोज को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे टोज को ऊपर उठाएंगे। अब टोज ऊपर आएगा, अब जॉग, नाउ जॉगिंग, जॉगिंग करना है आपको, अभी जॉगिंग करते हैं फास्ट फास्ट, 30 seconds करना है एट हाई स्पीड, कीप योर नी सॉफ्ट। फ्रिक्वेंट ब्रीदिंग रखनी है, ब्रीदिंग आपको कंटिन्यू करते रहना है, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। इस तरह से स्पॉट रनिंग के साथ साथ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड रनिंग कर सकते हैं। बैकवर्ड रनिंग करने से कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रनिंग के कॉम्बिनेशन से अच्छा वेट लॉस होता है। तो मैं थोड़े से डिस्टेंस में, अप्रॉक्स 20 फीट का है, इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे 15 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं या 10 टाइम्स कर सकते हैं, जैसी आपकी स्टेमिना हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये परफॉर्म करना है। तो अभी हम लोगों ने स्पॉट रनिंग किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड रनिंग किए, अब इसके बाद थोड़ा अपने हार्ट को रेस्ट दीजिए थोड़ा स्लो डाउन के लिए। तो अभी दूसरा वर्कआउट करेंगे, लंजेज वॉक। इसमें क्या होगा, स्लो पेस पर आपको मूव करना है। तो इसमें लंजेज वॉक अप्रॉक्स 2.5 feet गैप लेंगे, अपने बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग आपको गैप लेना है। इसमें चाहे तो इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, या फिर ट्विस्टिंग के साथ कर लीजिए, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ट्विस्ट करते हुए या हाथ ऊपर करते हुए या फिर ट्विस्ट करते हुए, आपको जिसमें सुविधा हो वो कर लीजिए। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, ब्रीदिंग फ्रिक्वेंट रखेंगे, ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। ये आप घर में भी कर सकते हैं, एक रूम हो, बेडरूम हो, 10 feet 12 feet का डिस्टेंस होता है एक वाल से दूसरे वाल के बीच में, उसमें आप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आउटडोर करें या किसी जिम में जाएं, आप कहीं पर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये सब वेरिएशंस हैं, इसमें ऐसे पुशअप के साथ भी, चेस्ट प्रेस के साथ भी कर सकते हैं आप। यदि आपके पास कोई वेट है तो उसका भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से लंजेज वॉक, ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी। अभी फोर्थ एक्सरसाइज आपको यहाँ पर, ऐसे कोई भी आपको सीढ़ी देख लेना है, लेकिन ध्यान रखेंगे यदि आप
स्टेयर्स पर कर रहे हैं तो बॉटम वाला हो, बीच में नहीं करेंगे क्योंकि गिर जाने का आपको डर रहेगा, पीछे गिर सकते हैं। तो मिडिल वाले स्टेयर्स पर नहीं, बॉटम बेस वाले पर करेंगे, जहाँ की गिरने के या इंजरी होने के चांसेस नहीं हो। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, और ऐसा कोई भी हाइट देखकर आप कर सकते हैं, या चाहें तो चार दो लेयर ईंटों का रख सकते हैं, उस पर कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल फाउंडेशन हो। देन चेंज योर लेग, एक बार राइट टू लेफ्ट आधा मिनट, देन राइट टू लेफ्ट, ये आपको चेंज कर लेना है, ऐसे 1 to 2 मिनट ये कर लेना है। फिर इसी जगह पर फिफ्थ एक्सरसाइज कर सकते हैं, और फिफ्थ एक्सरसाइज करने से पहले नॉर्मल एक्सरसाइज आपको बीच में रेस्ट देने के लिए। कार्डियो वर्कआउट फास्ट एक साथ नहीं करने चाहिए, बीच बीच में रेस्ट लेकर उसके बीच में कोई दूसरे एक्सरसाइज डालिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के डालिए, या जो स्टेबल होल्ड करने वाले पोजिशन वो डालिए, ताकि आपके हार्ट को रेस्ट मिले। चलिए, ये स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज है, ये साइड ऑब्लिक के लिए भी अच्छा काम करता है। तो इस तरह से ये पांचवी एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर इसके बाद आ जाएंगे सिक्स्थ एक्सरसाइज पर। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें स्टेयर्स पर ही, जो आपने फाउंडेशन बनाया है उस पर ही जंप करना है, डाउन जंप अप डाउन जंप अप डाउन जंप अप डाउन जंप अप डाउन। तो इस तरह से ये जंपिंग के एक्सरसाइजेस कर लेने हैं। इसमें ध्यान रखेंगे फाउंडेशन स्टेबल हो, ऐसा नहीं हो जो कि स्लाइड हो जाए या गिर जाए या टूट जाए, तो इससे इंजरी होने के चांसेस होंगे। स्टेबल फाउंडेशन लेकर उस पर आप जंपिंग के कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेना चाहिए। यदि नी पेन है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे, या एंकल इंजरीज हो, या कभी का फ्रैक्चर हो, या कोई प्लेट्स लगे हों, रॉड लगे हों, तो अवॉइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे नी को, ऐसे फुट को रख लेंगे स्टेबल फाउंडेशन पर थोड़े हाइट पर, और इसको खोल लेंगे। ये थाइस के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली इनर थाइस के लिए। इसमें नी को स्ट्रेट, फुट को इस तरह से टर्न कर लेना, और इसको इस तरह से, इसको लॉक नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है लेकिन सॉफ्ट रखना है, और ये 90 डिग्री पर बेंड होगा। हर एक कार्डियो वर्कआउट के बाद आपको कोई नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपका हार्ट रेट स्लो डाउन हो। हमेशा हार्ट रेट इस तरह से जाना चाहिए, अप डाउन, इससे आपका अच्छा एक्सरसाइज होता है, उससे आउटपुट भी अच्छा मिलता है। वेट लॉस के लिए देख रहे हैं तो ऐसा सीक्वेंस बनाकर रखेंगे जिसमें हार्ट रेट अप डाउन होता हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये पैर से हो गया, और ऐसे ही दूसरे लेग से कर लेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। ब्रीदिंग के सीक्वेंस को रखिए, और कंटिन्यू फ्रिक्वेंट ब्रीदिंग करते रहिए। तो इस तरह से ये हमारी 7th एक्सरसाइज हो गई। अब 8वीं एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबिंग, ये जो आपने हाइट लिया था उसको ही, ये सारी एक्सरसाइजेस फ्री हैंड वर्कआउट हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, बाहर पार्क में कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी इच्छा वहाँ कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे हों और आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैं, तो पॉल्यूटेड एरिया में नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसमें फ्रिक्वेंट ब्रीदिंग करते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। पॉल्यूशन फ्री एरिया में करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। नाउ अल्टरनेट, एक्सहेल करते हुए नी को फोल्ड करना है, एल्बो को टच करना है। इस तरह से 30 सेकेंड्स करने हैं। तो ये सारे एक्सरसाइजेस के 2 सेट 3 सेट बनाकर आप कर सकते हैं,
अब इसमें माउंटेन क्लाइंबिंग में दूसरे भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज वेरिएशन है, उसको भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये करके दिखाया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड टू साइड रन, एक जगह से दूसरे यहाँ साइड में जाना है आपको रन करते हुए और टच करना है। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हाथ को चाहे तो ऊपर रख लीजिए इस तरह से और फास्ट रन करेंगे जितना तेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 10 टाइम इस साइड ये सारे एक्सरसाइजेस फॉलो करने चाहिए। मतलब एक साइड में 10 टाइम्स, एक साइड में 10 टाइम्स, दोनों साइड में 10 टाइम्स करने चाहिए। और फिर से उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज। तो इस तरह से इसका दो सेट बनाकर 10 एक्सरसाइजेस का आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं ट्राइसेप्स के लिए, इसके लिए आपको घर में कर रहे हैं तो चेयर का यूज़ कर सकते हैं या डाइनिंग टेबल का या कोई भी इस हाइट की चीज़ें जो स्टेबल फाउंडेशन देती हूँ, गिर ना जाए, वीक ना हो, ऐसे जगह को अवॉइड करेंगे, स्टेबल फाउंडेशन लेकर उस पर करना है। तो इस तरह से ऐसे कर लेंगे। ये फाइबर का बना है, थोड़ा वीक है, लेकिन फिर भी मैं एक स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करके मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो हाथ को अपने तरफ रखेंगे, पीछे की तरफ फिंगर्स को नहीं, इस तरह से कर लेंगे और होल्ड करेंगे। फिर गैप इक्वल टू शोल्डर्स बिटवीन द नी, फीट को भी शोल्डर के बराबर डिस्टेंस पर रखेंगे और एक्सहेल करते हुए एल्बो ज़्यादा बाहर ना जाए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। तो इस तरह से आप 15-15 के दो सेट कर सकते हैं या 20-20 के दो सेट कर सकते हैं। 10-10 का आपका जैसा स्ट्रेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है। तो इस तरह से मैंने 10 कार्डियो एक्सरसाइजेस के, 10 एक्सरसाइजेस के एक सेट बताया जो आप आउटडोर कर सकते हैं, पार्क में या घर पर या कहीं पर भी आप फ्री हैंड वर्कआउट, इसके लिए कोई किसी इक्विपमेंट्स या किसी प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है, तो करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।